आरा में अतिक्रमण को लेकर आज भोजपुर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन काफी सख्त दिखा। कई झोपड़ियों को तोड़ा गया तो वहीं प्रशासन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया। भोजपुर जिलाधिकारी राजकुमार के आदेश के बाद आरा शहर के रमना मैदान के चारों तरफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत करीब 20 से अधिक अवैध झोपड़ियों को रमना दक्षिणी रोड से हटाया गया। वहीं आरा नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर पिछले कई दिनों से निगम कर्मियों द्वारा माइकिंग की जा रही थी। उसके बाद वीर कुंवर सिंह रमना मैदान के चारों तरफ सुभाष चौक, शहीद भवन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लेकर नगर निगम कार्यालय, रमना मैदान के उत्तर पूर्व कोने पर वीर कुंवर सिंह पार्क, हनुमान मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाया गया। भोजपुर जिला प्रशासन ने सोमवार की सुबह से ही अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। जैसे ही अभियान शुरू हुआ अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। अतिक्रमणकारी अपने अपने सामानों के साथ इधर उधर भागते हुए नजर आए। इस दौरान दर्जनों अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। रमना मैदान के दक्षिणी छोर पर खानाबदोश द्वारा किए गए अवैध कब्जा को पूरी तरीके से बुलडोजर से तोड़ दिया गया। अतिक्रमण के दौरान शहर के नागरिक पिछवाड़ी के समीप कई अवैध अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन का जमकर विरोध किया। इस दौरान अतिक्रमणकारी अपने अवैध झोपड़ों के सामने बैठकर प्रशासन का विरोध करने लगे। नागरिक पिछवाड़ी के सामने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर नहीं चल सका। मालूम हो कि सड़क के किनारे कई जगहों पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, जिसे हटाने को लेकर जिला प्रशासन ने पहले ही सूचना दे दी थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण किया। पहले से कोई बोला नहीं था हटाने का? कोई नहीं बोला था, कोई नहीं बोला कि सामान हटाइए, सब सामान घर में रखा है। सर व्यवस्था देंगे नो नेता जी, हम लोग से बोर्ड मांगने आते हैं तो बोर्ड हम लोग देते हैं। हम लोग कहाँ जाए, बहन बाल बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाए, बोर्ड मांगने जाए। हम बारी बारी से कोई सर हम लोग का नाम है नो, हम लोग का घर टूटेंगे तो हमको व्यवस्था दीजिएगा नो लाने के लिए। घड़ी है हम लोग सर सामान कहाँ लेके जाए, बेटी बहन बाल बच्चे कहाँ लेके जाए, रोड पर जाए। बोल रहे तोड़ने के लिए है लोग, हाँ सब लोग बोल रहे हैं तो तोड़े ले, हम लोग कहाँ जाए, रोड पर जाए, बैठने घामा में धूपा में मेरी बहन लेंगे। ये आप लोग अपना मकान बनाया है कि? हाँ, अपना मकान है, हम लोग अपना है, सब झोपड़ी आज से नहीं, कुछ जमाना से हम लोग के लाल है, बाप दादा सब हम लोग सब जाएगा। घोड़ा दौड़त रहे रोड पर, अपने से बना बना के लाए बाप दादा। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, ईटीसी बच्चों को सिखाया जाता है, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय।